एजेंट आर्टेमिस रिपोर्टिंग सर. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द प्रेडेटर के व्लॉग्स. तो मैं ये तैयार होके हम लोग जा रहे हैं मुंबई. आज मुंबई घूमेंगे तो व्लॉग की स्टार्टिंग होती है यहाँ से. हैप्पी जाएगा और मैं जा रहे हैं पूरा एकदम. इसके आगे फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो पूरा एक ग्रुप टाइप का आज मुंबई दर्शन टाइप करेगा. जितने भी फेमस जगह हैं सब जगह घूमने की कोशिश करेंगे. तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है, यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे फर्दर ट्रैवल के लिए. तो ये है पुणे रेलवे स्टेशन. हैप्पी जा रहा है टिकट लेने के लिए. यहाँ पे ऑलरेडी टिकट के लिए बहुत भीड़ लगी पड़ी है. कौन सा स्टेशन है भाई? वही दिख रहा था, देखना जनरल के भाई अलग ही लफड़े हैं ये लोनावला है और यहाँ की ब्यूटी ये है, मतलब पहाड़ पे वहाँ पे घर टाइप है. सक्सेसफुली लैंडेड ऑन कल्याण जंक्शन. ये रहे एस्कलेटर. कुछ खाते हैं पहले, किस साइड में चलो फिर. भाई यार कितना भयंकर रश है इधर, हद से ज़्यादा लोग हैं. ऐसा लग रहा है सारी पॉपुलेशन, मतलब अपोकलिप्स आ गया और लोगों को है ना सेफ्टी से निकालने के लिए लाइन लगाई गई है. देख रहे ऐसे सीन होते हैं ना हॉलीवुड मूवीज़ में, अपोकलिप्स होता है तब लोगों को निकालने के लिए सब लाइन लगाते हैं, वैसे सीन है यहाँ पे. तो गाइस मैंने जैसे कि बताया था ये दाबेली है और ये मेरे को बहुत पसंद इसलिए आती है क्योंकि इसमें पीनट्स होती हैं और मसाला टाइप, और सेव हो गया, ये बन हो गया, इसके अंदर एक फिलिंग डालते हैं रबड़ी टाइप, मतलब मीठी नहीं होती है खट्टी होती है, खट्टी मीठा इसके बीच के अंदर का एक वो मसाला डालते हैं जो कि वहाँ पे हैप्पी के जस्ट उस साइड में वो वाला मसाला डालते हैं. आज की आइटनरी इन लोगों के साथ हो रही है. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे और भाई मस्त एकदम वाइब है इधर का. और इस एरिया में स्टेशन ट्रैक्स ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि लोग है ना या तो स्टेशन से एग्जिट इधर करते हैं या तो इधर करते हैं, हमें सामने करना पड़ेगा. सो CSMT बाहर से ऐसा दिखता है, ऐसा बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये. सो ऐसी थोड़ा एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ गए अभी आज़ाद मैदान. भाई तू बताना कैसे कर रहा है, हिस्ट्री बताओ तू. हाँ तूने पढ़ी थी 1946 में नेवी वालों पे बहुत जुल्म किया जा रहा था. अच्छा, सैलरी कम थी, गाली देते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. 1946 में आज़ादी के लिए यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया नेवी वालों ने. हाँ, नेवी वालों ने आजाद मैदान. ये आजाद मैदान है ना, यहाँ पे है ना सब बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकलते हैं इस जगह से. थोड़ा जाना पहचाना दिखेगा मोस्टली मूवीज की. आई नो हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे हर मूवी को कहीं ना कहीं क्या मैं नहीं घूमूंगा तो टेंशन ना लो, हिस्ट्री नहीं बताऊंगा थोड़ा. तो जिस स्ट्रीट पे अभी हम लोग हैं उधर थोड़े मामा लोग होते हैं जो कभी भी फोटो खींच लेते हैं, अगर मास्क नहीं है तो 300 रुपये का फाइन, तो इसलिए मुझे ये चढ़ाना पड़ा. हालांकि ये लोग डैशिंग और डेयरिंग टाइप हैं तो इनको कोई टेंशन नहीं है. ये मुंबई लोकल बसेस, सब जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं यार. मैं पहले मुंबई आया था लेकिन वो से बस में चला गया था ना, तो आज मैं अपने पैरों से मुंबई स्ट्रीट्स छान रहा हूँ पूरी. तो बॉम्बे लैंग्वेज में बोले तो रास्ता नाप रहे हैं. ये मुंबई के सारे जितने भी बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ऑफिस है ना वो सब इधर का ही है. लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी कैनन स्ट्रीट पे हैं. कैनन स्ट्रीट. तो वो वाली जो बिल्डिंग है ना वो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग. और हमें जल्दी ओ फक भागो जयराम जी की. वो लिखा है ना वहाँ पे BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और बाकी ये मस्त लग रहा है ना. तो अभी हम लोग आ गए शॉपिंग के लिए कोलाबा कॉस्पे में. तो बाकी इन लोगों को पता है एड्रेस, इन लोगों ने यही बताया यहाँ पे सब कुछ मस्त मिलता है और अच्छा मिलता है. ये किसने सीखा? तो अभी हम लोग आए हैं बगदादी में, यहीं पे मुंबई में बहुत मस्त रेस्टोरेंट है
और मैंने ना ये अपना वेज बिरयानी मंगाई है, इसके अंदर काफी स्टफिंग्स और ऊपर चावल चावल है, अंदर माल पानी भरा पड़ा है। तो ये बगदादी रेस्टोरेंट है और इधर अंदर जाने के लिए मतलब सीट्स नहीं होती, तो ऐसे भारी वेट कराने के लिए वेटिंग यहाँ पे ऐसे लाइन करनी पड़ती है और फिर आपको सीट्स मिलती है। इसके लेफ्ट साइड में वेजिटेरियन चीज़ मिलेगी और राइट साइड में आपको नॉन वेज मिलेगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा पुरानी मतलब क्या रहा मैं रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पुराना है और सबसे बढ़िया बात भाई बॉम्बे में अफोर्डेबल प्राइस अंडर बजट, हम बच्चे लोगों का क्या मस्त एकदम पेट भरा और सस्ता एकदम मस्त, टेस्ट का टेस्ट मिल गया और मजा आ गया। और वहाँ थोड़ा अपने माल के लिए रॉयल स्टाइल एकदम निकलवा रहे हैं, कहाँ गया भैया, भैया स्प्राइट देना भैया। आई जैसे नो टू लिकर्स, तो गलत नहीं सोचना, जैसे एक ब्रांडिंग लगा रखी है, बाकी यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है। एक्चुअली अंदर है ना उधर भीड़ थी तो कोल्ड ड्रिंक्स है ना ठंडी नहीं थी, तो यहीं पे जस्ट बाहरी शॉप है, सब ठंडा ठंडा एकदम मिल रहा है। खाना कैसा था अभी बताओ भाई, खाना कैसा था? पनीर बेस्ट, पनीर बेस्ट, पनीर बहुत मस्त था। मुंबई वालों के लिए ये चीज बड़ी कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, हम जब बाहर वाले लोग इधर आते हैं ना तब ये चीज बहुत मस्त हो जाती है। व्हाट अ ग्रेट आर्किटेक्चर, सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। अपनी पूरी आज की व्लॉगिंग टीम यहाँ पे आ चुकी है, ये गेटवे ऑफ इंडिया और जस्ट इसके सामने आ जाता है, ये रहा होटल ताज और जिसपे कसाब ने हमला किया था, और ये वही होटल है जहाँ पे 450 रुपए की चाय होगी, अब पहले 250 रुपए की थी, अब 450 की हो गई है। 2611 का याद हो आप लोगों को तो, और जस्ट इसके सामने आ जाता है पूरा समुंदरम, वेस्टर्न घाट भी नीचे, वो वेस्टर्न घाट वेस्ट उस साइड में नीचे की तरफ पड़ता है। ये ओशन कहाँ से आता है? अरेबियन सी। ये जो वाइट वाइट देख रहे हो ना, इधर से ना इन बोट्स पे राइड करने के लिए टिकट होती है, रजिस्ट्री वहाँ से होती है, और फिर ये पाथ है बोट्स पे जाने का, फिर यहाँ से बोट राइड पूरा समुंदर घूमो कितना भी घूमो। एंड ताज होटल है ना साइड से, मतलब जब रश नहीं होता ना जहाँ पे कोई नहीं आता, बैक साइड से ताज होटल ऐसा दिखता है मस्त। स्टारबक्स कॉफी। टी शर्ट किसने खराब करी? मुंबई में ऐसे शेर घूमते मिल जाएंगे, ऐसी रोडों पे ऐसे घूमते रहते शेर भाई। यहाँ की रोड एकदम अलग ही बिल्ड है यार, बिल्ड क्वालिटी है भाई रोडों की मस्त एकदम, सब कुछ कॉन्क्रीट एंड बढ़िया तारकोल सब कुछ मस्त बना है भाई। पिछली बार जब मुंबई आए थे ना तब ऐसा कुछ अच्छी तरह पैदल एक्सप्लोर नहीं किया था, सब बस में घूमे थे, बस में ही सारा टाइम पास किया था। आज पूरा मतलब छा पूरा जितना नाप रहे ना पूरा मुंबई का भाई, मजा आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो बढ़िया। तो अभी तक आपने देखा मुंबई का दर्शन जो थे पार्ट फर्स्ट, इसके बाद पार्ट सेकेंड आएगा, वो मैं जल्दी बना के एडिट करके डालता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, अभी जस्ट वेट करो सेकेंड पार्ट का, जल्दी आएगा। और एक्चुअली एक और सरप्राइज है जो कि सेकेंड पार्ट आने के बाद पता चलेगा। टिल देन कीप वॉचिंग प्रेडेटर के व्लॉग्स।